अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर में हमारी डिस्कशन चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने एनुइटीज और परपेचुइटीज पे प्राइमरली बात की थी, बट बिफोर वी हैव अ रीकैप और मूव फॉरवर्ड, एक रिसेंटली आप लोगों का अपडेट टॉप से पता लग गया क्या कैप 6 के सिलेबस में आई कैप थोड़ी सी रिविजन की है। तो जस्ट क्विकली हम इसको अगर देख लें तो हमारे लिए तो ये रिविजन थोड़ी नई है। ओल्ड स्कीम में नई स्कीम में जाते हुए कुछ रिडक्शन है और वो रिडक्शन सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन में है, मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन में एब्सोल्युटली नो चेंज। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे पास एक तो थोड़ा सा ग्रिड में चेंज आया है। ये ओल्ड साइट पे देखें तो ये जो खैर थोड़ा सा इमेज मैंने स्क्रीन प्रिंट किया था, इतना वो अच्छा इमेज नहीं आया, लेकिन ये वेल ओल्ड चीज़ें हैं तो इसमें ऐसा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहले यहाँ पे बजटिंग एंड प्रोजेक्शन था, तो यहाँ से प्रोजेक्शंस का वर्ड खत्म कर दिया गया है। नई स्कीम में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बजटिंग रह गया है। और दूसरी चीज़ जो चेंज की गई है वो मार्क्स में थोड़ा चेंज किया गया है कि इधर 5 नंबर कम कर दिए गए हैं, मैंने यूरिन एनालिसिस में 5 नंबर कम किए गए हैं और हम सेफली कह सकते हैं वो 5 नंबर इस बजटिंग के पोर्शन में डाल दिए गए हैं। बजटिंग के पोर्शन में आपका 3 टॉपिक्स पेपर कवर हो रहे हैं, एक कैपिटल मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड उसकी कुछ डिस्कशन है और एक बजटिंग का इटसेल्फ टॉपिक है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है ये, जिसको कैपिटल बजटिंग कहा जाता है वो भी यहाँ पे आ रहा है। और जो आगे हमने बजटिंग का एक टॉपिक पढ़ना है वो भी यहाँ कवर होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर एग्जामिनर ने बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लिया अपने पास ताकि वो शायद बजटिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दोनों टॉपिक्स को खुल के टेस्ट कर सके। बल्कि यहाँ पे तो 35 नंबर तक जाते जाते तो 3 सवाल बन सकते हैं, 15 का 2, 10, 10 के 3 सवालों तक जा सकता है, लेकिन 2 तो बड़े तगड़े सवाल बन जाएंगे। तो 5 नंबर समझे यहाँ से कम किए गए हैं। ये 35 से 45 था, इसको 30 से 40 पे एग्जामिनर इसका वेट लिया है और बजटिंग में 5 नंबर ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एनालिसिस में मजे की बात है कि 5 नंबर तो बढ़ाए गए हैं लेकिन सिलेबस में कमी की गई है और एक वो एरिया जो मुझे सख्त नापसंद था, आप लोगों की पसंद का मुझे पता नहीं, वो सारा यहां से निकाल दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑन बिजनेस प्रॉब्लम, ये पूरा स्टैट्स का चैप्टर खत्म हो गया, उड़ा दिया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि अब हमने स्टैट्स नहीं पढ़ना। वो लगता है बड़ा आउट ऑफ प्लेस सा था कि फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़ते पढ़ते स्टैट्स एक आउट ऑफ प्लेस सा पोर्शन लगता था और उसमें जो मुझे एक बात जो लगी ना वो इटसेल्फ समरी थी पूरी। आप समझे क्यूएम में जब पढ़ते थे, क्यूएम में जो सेट पढ़ के उसकी समरी है और उस एक चैप्टर को समझने के लिए आपको क्यूएम के कितने चैप्टर्स को रेफर या उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी। तो विच वाज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी या गुड स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ आईकॉप, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से उन्होंने ये पोर्शन निकाल दिया। अब हम टोटल फाइनेंस के पोर्शन पर फोकस रहेंगे और एक चेंज जो और आई है वो यहाँ पे आई है। जैसे मैंने कहा बजटेड एंड प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन बजटिंग का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें उससे पहले प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ टूल्स दिए गए थे जिसमें फोरकास्टिंग के मेथड से अप्रोचेस थी और प्रोजेक्शंस के मेथड अप्रोचेस थी। तो बजट में इस्तेमाल होने के लिए कुछ टूल्स है प्रोजेक्शन फोरकास्टिंग, जो कि अगेन हम कहते हैं कि अभी उनकी सिग्निफिकेंस एग्जाम पॉइंट से बड़ी नेग्लिजिबल रही हुई है। ये हमेशा से प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग हमारे फाइनल में भी सिलेबस का हिस्सा होता था, लेकिन अगर 20 साल वहाँ पे सिलेबस में रहा तो शायद एक या 2 फर्ट हुआ था बड़े छोटे से टॉपिक में। हमारे कैफे भी आया हुआ था लेकिन अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ था, तो ये भी मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप ही है कि वो जो प्रोजेक्शन और फोरकास्टिंग के जो सर्वे रिलेटेड स्टेप्स थे वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे तकरीबन कोई 2 घंटे का काम यहाँ था और स्टैट में कोई 7-8 घंटे का काम था, तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस 7-8 घंटे 8 से 10 घंटे उसने यहाँ पे तकरीबन कम किए हैं, लेकिन शायद उसने नंबर जहाँ बढ़ाए हैं उन नंबर में भी किताब आएगी तो पता लग जाएगा। सिलेबस से तो आइडिया नहीं हो रहा, शायद कुछ डेप्थ किसी टॉपिक की बढ़ाई गई हो, शायद वो क्वेश्चन बैंक से किसी टॉपिक की डेप्थ बढ़ा दे, क्योंकि टीचिंग टाइम इधर ऑन द फेस ऑफ इट सिलेबस कॉन्टेंट कम किया गया है, लेकिन आईकैप की गाइडलाइन को जब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टाइम, उसमें आईकैप ने कुछ चेंज नहीं किया। ये आईकैप की गाइडलाइन है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टाइम, इसको आईकैप ने छेड़ा नहीं है, शायद छेड़ना भूल गया, या हम समझते हैं कि शायद उसने कंटेंट में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ पे मार्क्स बढ़ाए हैं वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें भी शायद बढ़ा दी हों बजटिंग प्रोजेक्शन में, बट फिलहाल हमें ऐसी कोई इंडिकेशन सिलेबस में इजाफे की कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही। इसको जब हम देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं तो सिलेबस में रिडक्शन की खबरें हैं। ठीक है, तो ये जब हमारी ओवरऑल स्कीम आ गया, 3 चीज़ें अगर हम कहें, एक 5% वेट शिफ्ट हो गया मैनेजरियल से फाइनेंशियल पे, दूसरा स्टैट्स का पोर्शन टोटली चैप्टर उड़ गया, तीसरा बजटिंग में जो प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग का थोड़ा सा सेक्शन था वो सेक्शन भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 मेनली चेंजेस हैं जो कि कैप 6 के सिलेबस में मिलती हैं। बाकी मैंने तो खैर अपने साथी से कहा था कि तमाम सिलेबस हम कंपेयर कर लें तो मुझे लगता है शायद ही किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस में कुछ चेंज आई है। ये जो भी नया सिलेबस रिलीज हुआ ऑटम 23 के लिए, तब हम उसको स्प्रिंग 22 से कंपेयर करते हैं तो स्प्रिंग 22 के कंपैरिजन में हमें सिर्फ कैप 6 में चेंज नजर आती है, बाकी सिलेबस एज इट इज वहां पे अवेलेबल है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये तो मेरे साथ तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है कैप 6 के लिए। पहले ही माशाल्लाह पेपर जिस तरह का आया था वो भी एक आसान था और उसमें आईकैप ने मजीद थोड़ी सी आसानी सिलेबस रिडक्शन की सूरत में आपको दे दिया, दैट विल कंट्रीब्यूट इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। अच्छा जी, कमिंग बैक टू अगेन एनुइटी एंड परपेचुइटी, हमने एनुइटी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनुइटीज, उससे बात हुई। परपेचुइटी क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परपेचुइटी, उससे बात हुई। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनुइटी और परपेचुइटी की डिस्काउंटिंग कैसे की जाती है, एनुइटी परपेचुइटी कैश फ्लो अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में आ जाए तो हम उसकी एनपीवी IRR इन्वेस्टर अप्रेजल कैसे कर सकते हैं, कोई सवाल। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी जरा करते हैं हम,
कुछ मैं आपको पीरियड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम टू देता हूं और ये इयर्स में होगा और यहां पे इसके बाद एनुअल कैश फ्लो आपके साथ आते हैं, ये रुपीस में होंगे और रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेना, सॉरी एक हम आर भी यहां पे लाएंगे डिस्काउंट रेट, उसके बाद फिर प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो ये डिफरेंट इलस्ट्रेशंस आपके सामने क्रिएट हो रही हैं, इनकी आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नीचे जी ये सात मैंने छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने बनाई हैं, इन सात कैलकुलेशंस की आपको सात प्रेजेंट वैल्यूज मुझसे शेयर करनी है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो पूछिएगा। इसमें आइटम नंबर थ्री में 25 साल बाद एक ही कैश फ्लो है, टू में आपको फिक्र नहीं अवेलेबल का मतलब सिंगल कैश फ्लो। तो जनाब ये आपके पास सात कैलकुलेशन हैं, इनकी सात प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। छोटी सी डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी है जो हमने पिछले वीक्स में कुछ सीखी थी चीज़ें, उनकी प्रैक्टिस एक्टिविटी है। कुछ सिंगल कैश फ्लोज हैं, कुछ एनुइटीज हैं, कुछ परपेचुइटीज हैं, कहीं नॉर्मल कहीं डिलेड, नो एडवांस केसेस डिस्कस्ड हियर। जी जनाब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो बताते जाइए जरा। आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू 9627, कोई डिसएग्रीमेंट हो तो बताइएगा। 9627 पहली वैल्यू, 31, 25% इज योर आर, 20 एंड 20 पे 25% का क्यूमुलेटिव फैक्टर लेंगे और माइनस करेंगे 4 एंड 4 का फैक्टर माइनस करेंगे। 25% पे 20 साल का फैक्टर कैलकुलेट करेंगे फार्मूला की मदद से, क्योंकि 25% हमें टेबल में अवेलेबल नहीं है, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहां पे आप।
अपना कैलकुलेटर खोल ले भाई, कर लिया तो बोल फिर, सारे हो गए, अगली बोलो, दूसरी वैल्यू बोलो, 3981, नेक्स्ट 107, 5076, 5076, 6327, पेंटा 3, 43, 4096, 5694, लीजिए जी, एक्सेलेंट, आपके साथी ने काफ़ी देर होगी, सातों कैलकुलेशन कर ली हुई थी, तो आप देखिए जरा इसमें किसी स्टूडेंट से एग्रीमेंट आता है किसी कैलकुलेशन से तो बात कीजिए। अब दरब देनी, पहले इसको हल करना फिर दरब देनी। जी भाई ये क्या सिंगल कैश लो भाई, सिंगल कैश लो, 25 साल बाद का सिंगल कैश लो, 25 साल बाद में 5000 चाहिए, चाहिए नहीं, सिंगल कैश लो है, उसकी पीवी लेनी है आपने, एक मिनट, 10% 25 साल तो 1.1 रेस्ट 5000 की प्रेजेंट वैल्यू, 5000 से ज्यादा कैसे हो सकती है, क्या है इसकी वैल्यू, 4661। जी जी जी, और जी किसी जगह इतराज है तो पूछिए, दुरुस्ती करानी है तो बताइए, सिंगल कैश लो ना बेटा ये। बेटा ये सिंगल कैश लो है, सिंगल कैश लो तो एनिटी फैक्टर कहाँ से आया भाई, सिंगल कैश लो है तो ये वाला फैक्टर आ गया, ठीक है ना, सिंगल कैश लो इसको, बेटा मैंने वो एक्स लगा भी दिया था और मैंने बता भी दिया था कि भैया सिंगल कैश लो है, 25 के बाद एक ही कैश लो है। जी किसी कैलकुलेशन से कुछ एग्रीमेंट है या किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। इसकी बात कर रहे हो, इस पर इतराज है या ये गलत है, इसका बता दूं क्या, ये सेकेंड लास्ट का डिस्काउंट फैक्टर आपका ये बनता है जी, दिस इज द डिस्काउंट फैक्टर, इस फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है 2500 से, आपकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है जी, ये ठीक लिखा है।
जी किसी और कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प जी बेटा। थर्ड तो बेटा सिंगल कैश लो है, एक सिंगल कैश लो है 25 साल बाद 10%, तो ये तो आपने सिंपली 1.10 -0.2 -25 इंटू 5000 10% रेट है, 25 साल बाद का एक कैश लो है 1+R^(-N) सिंगल कैश लो 25 के आगे कोई कैश लो नहीं है, मैंने यहां पे मेंशन भी कर लिया था, वॉइस भी कर दिया था, देयर इज नो कैश लो आफ्टर 25 ईयर, देयर इज सिंगल कैश लो। बाकी जगह सीरीज है या बताया गया है कब तक, या बताया गया है फॉर एवर हमेशा अनडिफाइंड। जी एनी अदर क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट को किसी और कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए? अच्छा जी अब हम वापस आते हैं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अभी तक हमने जितने सवाल देखे, जितनी एनपीवी या आईआरआर की कैलकुलेशन देखी, उनमें हमें क्वेश्चन में ईयर वाइज कैश फ्लोज रेडीली अवेलेबल थे, हमें एनुअल इंटरवल्स पे कैश फ्लोज दिए गए थे, हमने उन कैश फ्लोज के ऊपर एनपीवी या आईआरआर का टूल अप्लाई किया। एग्जाम में हमें प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज होते हैं वो इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया जाते, स्टेटमेंट की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में दिए जाते हैं। हमने उस स्टोरी को पढ़ के कैश फ्लोज को एनुअल इंटरवल पे अरेंज करना होता है, और एग्जाम में आपके मेजर मार्क्स इस स्टेप के होते हैं। अगर आपको से 15 नंबर का सवाल आ रहा है तो 15 नंबर के सवाल में से आपको मे बी 11 या 12 नंबर मिलते हैं सवाल को पढ़ के, डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एनुअल इंटरवल पे अरेंज करना। जैसे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि जी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें लैंड इतने की खरीदेंगे, बिल्डिंग इतने की बनेगी, प्लांट इतने का लगेगा, फिर बताया जाएगा आपको जी हम सालाना इतने यूनिट्स बेचेंगे या पहले साल इतने यूनिट्स, दूसरे साल इतने यूनिट्स, बताया जाएगा प्राइसेस हमारी सालाना पर यूनिट क्या रहेंगी, हमें वेरिएबल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिक्स कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लंबी कहानी लिखी जाती है। हमने उस कहानी से रेलेवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने हैं और उनको एनुअल इंटरवल, जिससे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो डिस्काउंट नहीं होनी टुडे टर्म में वो कितनी है, साल बाद के टोटल कैश फ्लो कितने होंगे, डिफरेंट रेवेन्यू और कॉस्ट को कंसिडर करने के बाद 2 साल बाद के कितने होंगे, एंड सो ऑन। हमने प्रोजेक्ट की स्टोरी से डेटा उठाना है और उसको अप्रोप्रिएटली एनुअल इंटरवल पे अरेंज करना है। 15 में से 11-12 मार्क्स इस चीज के होंगे। डेटा हमारे पास आ जाए उसके बाद डिस्काउंट करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी कैलकुलेट करना और फैसला करना, 2 नहीं तो 2.5 नंबर। डेटा हमारे पास हो, आईआरआर कैलकुलेट करके फैसला करना, 2.5 नहीं तो 3.5 नंबर। मेजर मार्क्स होते हैं कहानी से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और उसको एनुअल इंटरवल पे अरेंज करना, जैसे हम करते आए हैं। तो अब हम साथ साथ थोड़ा उस एक्ट की तरफ भी चलते हैं कि भाई ये काम जो किया जाता है उसमें हमें क्या स्किल और क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है दैट इज अजम्पशंस अबाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। हम जब कहानी से डाटा उठाते हैं तो कहानी में हमें कैश फ्लोस की टाइमिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हमने वहां से हिंट लेके उस कैश फ्लो को अप्रोप्रिएट प्लेस पे अरेंज करने हैं। जैसे नॉर्मली हम 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे एनुअल इंटरवल होते हैं। 0 का मतलब होता है टुडे, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं टाइमलाइन पे। 0 का मतलब होता है आज, 1 का मतलब होता है आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, एंड सो ऑन। हम एनुअल इंटरवल पे कैश फ्लो को अरेंज करते हैं ताकि जब हम डिस्काउंटिंग करें तो साल बाद का कैश फ्लो 0 पे लाते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, 2 साल का कैश फ्लो 0 पे लाते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, एंड सो ऑन। हम जो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना वो एनुअल इंटरवल्स पे पड़े कैश फ्लो को 0 पे ला रहे होते हैं। तो हमें कैश फ्लोज को एनुअल इंटरवल पे अरेंज करने के लिए कुछ अजम्पशंस की जरूरत पड़ती है जिनको हम डीसीएफ अजम्पशंस अबाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं। सो अजम्पशन नंबर 1, आपको कैपिटल प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो लैंड बिल्डिंग प्लांट, आप उसको अज्यूम करते हो 0 में इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द कंट्री। अगर क्वेश्चन कुछ और कहते तो अपनी बात है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया गया भाई ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यू विल अज्यूम कि ये इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली चाहिए, आज ही हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये अजम्पशन है, वो ना लिखे या ना लिखे, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप आज अज्यूम करोगे। क्वेश्चन कहते आज नहीं साल बाद लगानी है जी फैक्ट्री हमने, तो फिर उसको साल बाद इन्वेस्टमेंट अज्यूम करेंगे, 1 में अज्यूम करेंगे। सो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी अजम्पशन रहेगी आज की जाती है, और अगर इन्वेस्टमेंट आज कर दी है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1 से शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में हमारी अजम्पशन होती है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मैं बार बार बोल रहा हूं अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अजम्पशन हम लेते ही तब है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। हम अजम्पशन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट 0 में आज होगी, और हमारी अजम्पशन होती है कि आज इन्वेस्टमेंट की तो कल से फैक्ट्री चालू होगी, कल से फैक्ट्री चालू हो जाएगी, उसके नतीजे में हमारा रेवेन्यू कल से, प्रोडक्शन और रेवेन्यू कल से शुरू हो जाएगा, और पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो के आइटम हम 1 में लेंगे, क्योंकि उसमें हमारी दूसरी तीसरी अजम्पशन भी साथ आ जाती है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश फ्लो अराइज होते हैं, बेसिकली रेवेन्यू, आज फैक्ट्री लगी, कल से अगर से 1 जनवरी को फैक्ट्री लगी, कल 2 जनवरी है, 3 जनवरी है, 5 जनवरी है, प्रोडक्शन सेल शुरू है, पूरा साल 31 दिसंबर तक प्रोडक्शन सेल चलती रही,
लेकिन हमने तो इन्वेस्टर अप्रेजल के लिए कैश फ्लो को एनुअल इंटरवल पर रखना है। जरूरी नहीं कि कैश फ्लो एनुअल इंटरवल पर आए, कैश फ्लो डेली राइज हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, बट हमें उनको एनुअल इंटरवल पर जाना है। एनुअल इंटरवल पर जाने के लिए एक अहम अजम्पशन है, कैश फ्लो विच अराइज ड्यूरिंग एनी ईयर आर अज्यूम टू हैव रिजन एट ईयर एंड। मतलब हमें कहा जाए कि पहले साल में हम 10,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू कितना बनेगा? 10,000 यूनिट 50 के हिसाब से 5 लाख। 10,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रेवेन्यू बन गया। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले साल हम 10,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, हमने अब इसका कैश फ्लो बनाना है, वो बना दी रेवेन्यू 5 लाख। फिर हमने टाइमिंग डिसाइड करनी है, पहले साल में बेचेंगे तो हमने तो उसको रखना है 1 के सामने, बिकेगा वो 0 से 1 के दरमियान जो गैप है। पहला साल की बात करें ना, वो 0 से 1 के दरमियान गैप को पहला साल कहते हैं, दिस इज फर्स्ट ईयर। लेकिन हमने तो कैश फ्लो को एनुअल इंटरवल पर रखना है ताकि हम उनको डिस्काउंट कर सकें। तो एनुअल इंटरवल पर रखने के लिए अजम्पशन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर जो कैश फ्लो आएगा उसको साल के एंड पे प्लेस करो। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर का मतलब अज्यूम करो एक साल बाद इकट्ठा आया, वो असल में रेवेन्यू बिखर के आया है, लेकिन हमने कैश फ्लो को एनुअल इंटरवल पर अरेंज करने के लिए अजम्पशन लेंगे कि कैश फ्लो साल बाद इकट्ठा आया है, दूसरे साल का रेवेन्यू 2 साल बाद इकट्ठा आया है। तो इन्वेस्टमेंट 0 में लेनी है इमीडिएट, रेवेन्यू और कॉस्ट इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के साथ ही, और पहला कैश हमारा T1 में आएगा जो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर का होगा। इसके बाद हमें ड्यूरिंग सेकंड ईयर कहा जाता है तो वो 2 के सामने आ जाएगा, ड्यूरिंग थर्ड ईयर कहा जाता है वो 3 के सामने आ जाएगा, एंड सो ऑन। और एक आखिरी अजम्पशन अक्सर सवालों में कह दिया जाता है भी आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर दोगे ना तो तीसरे साल के शुरू में आपको प्रोजेक्ट मशीनरी ओवरऑल करानी पड़ेगी, तीसरे साल के शुरू में। अब दूसरा साल यहां पे खत्म हुआ, यहां से तीसरा साल शुरू हो गया, ऐसे ही तीसरे साल के शुरू में ओवरऑल करानी पड़ेगी। तो अजम्पशन रहती है कि कैश फ्लो जो किसी साल के शुरू में राइज हो उनको उसके पिछले साल के एंड में डाल दो। तीसरे साल का शुरू का मतलब 2 समझा जाएगा, ठीक है, 2 के सामने हम उसको प्लेस कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जिनको हम कहानी से कैश फ्लोज जब निकालेंगे तो एनुअल इंटरवल पे प्लेस करते हुए इन अजम्पशंस का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि कैश फ्लोज एनुअल इंटरवल पे होंगे तो ही हम कोई टूल अप्लाई कर सकते हैं उन पे एनपीवी या IRR का। तो ये अजम्पशंस अबाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, हमारे जितने भी सवाल होंगे उनमें हमें इन चीजों का ख्याल रखना होगा। अच्छा जी, हमारे पास एक इलस्ट्रेशन 27 है, हम इलस्ट्रेशन 27 को डिस्कस करते हैं। इसी डिस्कशन के दौरान ही एक नया टूल भी, छोटा सा टूल है, ऑल्दो स्पेसिफिकली वो हमारे सिलेबस में हाईलाइटेड तो नहीं है लेकिन हमारे जो सिलेबस में टूल्स हैं उनसे वेरी क्लोजली एसोसिएटेड है। और चूंकि सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन है इसलिए मैंने उसको डिस्कशन में शामिल कर लिया, क्योंकि एग्जामिनर कोई पता नहीं इतनी सी डिवीजन ले रहे, क्योंकि 5 मिनट की बात है तो हम इसको कवर करने में कोई हर्ज नहीं समझते। तो हम जाते हैं इलस्ट्रेशन 27 में। ये पहली इलस्ट्रेशन होगी जिसमें हमें डाटा एनुअल इंटरवल पर दिया नहीं गया, हमें बनाना है, हमें डिफरेंट टूल्स अप्लाई करने को कहा गया है। हमें कहा कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें, एनपीवी कैलकुलेट करें, यह है वो नया टूल जिसकी मैं बात कर रहा था, डिस्काउंटेड पे बैक, ये क्या इस पर हम बात कर लेंगे, कुछ नहीं बात नहीं, 5 मिनट की बात है। IRR कैलकुलेट करें, सो 4 पार्ट ये हो गए, 5वें पार्ट को बाद में देखते हैं। फिलहाल हमें पे बैक एनपीवी IRR की बात है। हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रेजर का टूल अप्लाई करना है तो हमें कैश फ्लोज को एनुअल इंटरवल्स पे अरेंज करना है, ठीक है। तो लेट्स रीड द प्रोजेक्ट स्टोरी और फिर कैश फ्लोज को एनुअल इंटरवल पे अरेंज करने की बात करते हैं। एक्सट्रॉन PLC, Extron PLC is considering investing ₹1 million in a new project to manufacture and sell a brand new toy. The following estimate has been made. Estimate kya ji, sales number of units mein 50,000 in the first year, rising by 10,000 per annum. Matlab 10,000 units per annum, matlab pehle saal 50,000, dusre saal 60,000, and so on. Life of the project 4 saal. Price per unit ₹25. Material cost per unit ₹10. Labor and variable overhead per unit ₹8. Ye variable डाटा है, प्राइस भी पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट भी पर यूनिट है, लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ये भी सारी वेरिएबल डाटा है। इन एडिशन फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 90,000 पर एनम। इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर लाइफ। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन रिलेवेंट कैश फ्लोज के कॉन्टेक्स्ट में जब बात हुई थी तो हमने कहा था जी कॉस्ट तो सारी वेरिएबल रेलेवेंट होती है, फिक्स कॉस्ट के बारे में हम देखेंगे, अगर वो प्रोजेक्ट की वजह से है तो वो रेलेवेंट है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट की वजह से है तो ये भी रेलेवेंट है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कोई इरेलेवेंट डाटा नहीं है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने यूनिट सालाना बेच पाएंगे, ये इतने साल बेच पाएंगे, ये इनकी प्राइस होगी, ये मटेरियल, ये लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस, ये हमें डाटा दे दिया अगर 4 साल बाद की रेजल्ट वैल्यू भी है। सो प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सारी कहानी में दे दी गई है। हमने इस कहानी से डाटा को अरेंज करना है एनुअल इंटरवल की शेप में। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो वन ऑफ आइटम है, 0 में आ गई, रेजिडुअल वैल्यू 1 ऑफ आइटम है, 4 साल बाद आ गई। इसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन बिटवीन 1 से लेकर 4 तक, पहला कैश फ्लो 1 में, लाइफ 4 साल है तो 4 साल हमने इस बिजनेस से कमाने हैं पैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। क्या हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो सालाना सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम सालाना बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एग्जाम फॉर्मेट पे बात कर लें कि एग्जाम में नॉर्मली हम एनपीवी कैलकुलेशन के लिए 2 लेआउट्स यूज करते हैं। एक लेआउट हम यूज करते हैं अगर हमारे कैश फ्लोज एनुटी शेप में जाए, मतलब सालाना सेम हो रहे हों,
और दूसरा लेआउट हम यूज करते हैं जब हमारे सालाना कैश फ्लो चेंज हो रहे हो। तो जैसे इस केस में वो फॉर्मेट में आपके सामने एक बार रिव्यू करके रख देता हूं, क्योंकि यहां पे हमें जो फॉर्मेट यूज करना है वो ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। इस फॉर्मेट से ज्यादा फेमिलियर है डिस्क्रिप्शन योर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर पीवी। हमने अभी तक इतनी लेशन की इसी फॉर्मेट पे किया है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक इसको रिफाइन कर रहा हूं कि हम ये फॉर्मेट अब उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे कैश फ्लोज एन्युटी की शेप में है। जैसे अगर हमारे कैश फ्लोज एन्युटी की शेप में, जैसे एक हाइपोथेटिकल डेटा सैंपल डेटा से बताया गया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एक से लेकर तीन साल तक सालाना सेम है, और सेल रेजिडुअल वैल्यू कैपिटल एसेट भी तीन साल बाद 6,000 है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई हम इस तरह डेटा अरेंज इस शेप में, इस टेबल की शेप में विद दीज कॉलम तब किया करेंगे जब हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एन्युटी की शेप में आए। और अगर केस हो जैसे ये 27 भी इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं जिसमें डाटा एन्युटी शेप में नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल अलहदा होने वाला है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन वैसे ही, इस कॉलम में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन अब 0, 1, 2, 3 हर साल के कैश फ्लो हम अलहदा अलहदा से प्रेजेंट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई है, रेजिडुअल वैल्यू उसके कॉलम के नीचे आ गई, सालाना कैश फ्लो का हर साल फर्क है तो ऐसे शो होगा। फिर हम यहाँ पे टोटल कैश फ्लो देते हैं, फिर ऐसे हम हर साल का डिस्काउंट फैक्टर अलहदा अलहदा शो करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, नेट पीवी। तो ये दो बेसिक फॉर्मेट है जो आगे जितने भी सवाल आया करेंगे हम इनमें से कोई फॉर्मेट यूज किया करेंगे। हर साल अलहदा कैश फ्लो है तो ये फॉर्मेट, और अगर एन्युटी कैश फ्लो है तो पिछला फॉर्मेट, ठीक है। तो अब हमारे इस सवाल में एक्सटर्न में ये वाला फॉर्मेट हमें चाहिए क्योंकि इसमें वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो हम इस फॉर्मेट के मुताबिक चीजें प्लान करना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27, ये सारी फॉर्मेट भी आपकी किताब में पेज 176 पे अवेलेबल है। ये लेआउट सैंपल्स में जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया, नोट्स में अवेलेबल है पेज 176 पे। तो ये जी इलस्ट्रेशन 27 का डाटा है, हम इसके मुताबिक चीजों को अरेंज करते हैं। पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, इसके बाद प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, 4 साल। एक कॉलम इन्वेस्टमेंट का 0 में, उसके बाद 4 साल कारोबार चलना है, 1, 2, 3 and 4। तो यहां पे हम देंगे डिस्क्रिप्शन 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, एक और गाइडलाइन सीखिएगा, गाइडलाइन है ये, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉर्मली जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी मिलियंस में हो तो फिगर्स को 1000 में राउंड ऑफ कर लीजिएगा ताकि आपको डाटा बहुत इतने एक्स्ट्रा जीरो ना लगाने पड़ा करें। अगर तो फिगर कुछ हजारों में या लाखों में है तो शायद राउंड ऑफ आप ना करें, आप एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। लेकिन अगर फिगर्स मिलियन में है इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इसको 1000 में राउंड ऑफ करना बेहतर है, इट इज रिकमेंडेड। तो हम ये फिगर रुपीज इन 1000 में लेके चलने लगे हैं। हमारी आइटम्स जो 9 आइटम्स हमने अभी डिस्कस की थी जो आएंगे, एक हम लाएंगे यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर हम लाएंगे इसी की रेजिडुअल वैल्यू। इसकी ज्यादा लाइट आइटम लगाना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ज्यादा लाइन आइटम लगाएं, ना भी लगाएं तो हर्ज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद लाएंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अच्छा, रेवेन्यू, मटेरियल प्राइस, मटेरियल लेबर, फिक्स कॉस्ट, ये सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो से मुराद प्रोडक्ट्स को बना के बेचने से रिलेटेड कैश फ्लो, बनाने से रिलेटेड खर्चे सारे, और बेच के जो रेवेन्यू है वो हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो होते हैं। हम एज अ प्रैक्टिस ऑपरेटिंग कैश फ्लो को हमेशा अलग वर्किंग में डील किया करेंगे, ठीक है। हम इसी मेन आंसर में रेवेन्यू और कॉस्ट की लाइन आइटम 4, 5, 6 नहीं ऐड कर दिया करेंगे हम, जब भी, क्योंकि जनरली ऑपरेटिंग कैश फ्लो का डाटा जरा थोड़ा वॉल्यूम वाला होता है, तो उस वॉल्यूम को मतलब हम वर्किंग में हैंडल किया करेंगे। अदर प्रैक्टिस हम इसी को लेकर चलेंगे। एग्जामिनर सॉल्यूशन में यू मे समटाइम्स फाइंड इट इन वर्किंग एंड यू मे समटाइम्स फाइंड इट एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो उससे हमने वरी नहीं करना। हम एक ही फॉर्मेट सीखेंगे और हर सवाल हम उसी पे हम करते जाएंगे, उसी पैटर्न पे करते जाएंगे। तो मैंने जैसे कहा हम इसको वर्किंग के थ्रू हैंडल करेंगे, शायद वर्किंग वन हमारी बनने वाली है। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे बनेंगे नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लो जब हमारे पास आ जाएंगे, इसके बाद हमें जो भी टूल इस पे लगाना होगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अप्लाई करते जाएंगे। हमें पेबैक लगाना है, एनपीवी निकालना है, आईआरआर लगानी है, डिस्काउंटेड पेबैक सारे हम इसके बाद लगाएंगे। पहले हमें यहां तक पहुंचना है, डाटा एनुअल इंटरवल्स पे जब कैश फ्लो अरेंज हो जाएंगे उसके बाद ही आगे कुछ काम हो सकता है, उसके बाद कोई भी टूल लगाना हो लग जाएगा। मेजर मार्क्स जैसे मैंने कहा एग्जाम में डाटा को यहां तक लाने के होते हैं, एग्जाम में अक्सर हमें मल्टीपल टूल लगाने को कहा नहीं जाता, नॉर्मली एक ही टूल कहा जाता है, एनपीवी से फिजिबिलिटी बताओ या आईआरआर से फिजिबिलिटी बताओ या सिर्फ फिजिबिलिटी बताओ। तो अगर उसने कहा एनपीवी से फिजिबिलिटी बताओ, एनपीवी का टूल आ गया। उसने कहा आईआरआर से फिजिबिलिटी बताओ, आईआरआर का टूल आ गया। उसने कहा पेबैक से फिजिबिलिटी बताओ, पेबैक का लग गया। उसने कहा फिजिबिलिटी बताओ, फिर बेस्ट एनपीवी। उसने कहा सिर्फ फिजिबिलिटी बताओ, तो जो बेस्ट टूल है एनपीवी हम उसको फॉलो करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। एनीवेज, तो हमें सबसे पहले मेजर मार्क्स यहां तक आने हैं, तो हम इसके साथ डेटा अरेंज करते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 1 मिलियन। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम इसको 0 में लेते हैं एज पर अजम्पशन, और जब 1000 में डाटा राउंड ऑफ हुआ डेसिमल नहीं लगाना, मिलियन में फिगर होंगी फिर डेसिमल आएंगे, 1000 में डेटा है तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। जी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 50,000। इसी रो में 4 साल बाद 50 का इनफ्लो ले लो। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट के दो कैश फ्लो दोनों एडजस्ट हो गए ना आपके, दोनों इनकम फॉर हो गए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 0 में इन्वेस्टमेंट है और 4 साल बाद उसके डिस्पोजल से रिकवरी है, दोनों कवर हो गए हमारे। अब हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में जाना है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 4 ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रिलेटेड वैल्यूज हैं, एक
प्राइस पर यूनिट, दूसरी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तीसरी लेबर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट और चौथी फिक्स कॉस्ट। चले पांचवी वैल्यू भी हम शामिल कर सकते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की डिटरमिनेशन में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें फॉर्मेट के बारे में हम फ्लेक्सिबल हैं, गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं और उन्हीं गाइडलाइन में से एक अंडरलाइन गाइडलाइन ये भी है कि फॉर्मेट वो लेना है जो एफिशिएंट हो। ठीक है, फॉर्मेट वो लेना है जो एफिशिएंट हो। अब अगर मैं सोचूं कि इस बिजनेस को चार साल साल तक चलाने से मेरे सालाना कैश फ्लो में क्या कमाऊंगा, तो पहले साल की अगर मैं बात सोचूं, पहले साल 50,000 यूनिट बेच के 25 के हिसाब से मैं रेवेन्यू कमाऊंगा, 50,000 × 25। पहले साल 50,000 यूनिट बनाने पे 10 रुपये मटेरियल का खर्चा आएगा, 50,000 × 10। पहले साल 50,000 यूनिट बनाने पे लेबर और ओवरहेड की मद में 8 रुपये पर यूनिट खर्चा आएगा, 50,000 × 8। तो 50,000 को 25 से ज़रब दिया रेवेन्यू आया, 50,000 को 10 से ज़रब दिया मटेरियल कॉस्ट आई, 50,000 को 8 से ज़रब दिया तो लेबर ओवरहेड कॉस्ट आई, फिर इसमें से रेवेन्यू में से इन दो को लेस किया तो हमारे पास कोई नेट कैश हो जाएगा। बीच में फिर ये फिक्स कॉस्ट भी पड़ी है, इसको खर्च ज़रब नहीं देनी, ये तो सालाना है। तो हमें रेवेन्यू बनाया, हमने मटेरियल कॉस्ट सालाना बनाई, हमने लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड सालाना बनाई, ये सालाना ऑलरेडी हमारे पास है। तो रेवेन्यू में से सबको लेस किया तो नेट ऑपरेटिंग सालाना हम क्या कमाएंगे मिलेगा। ये तरीका ठीक है, आंसर बातें हमें समझ आ गई ना जो मैंने बात की। ऐसा तो कोई बचा नहीं जिसको बात समझ नहीं है मैंने क्या किया। हमें पहले साल में 50,000 को लेकर चलना है, दूसरे साल में 60 को लेकर चलना है, तीसरे में 70 को लेकर चलना है। तो हमें चार सालों की इस तरह कैश बनाने हैं। लेकिन ये एक लेबोरियस मेथड है कि भाई हर साल हम यूनिट्स को इससे भी ज़रूरत दें, इससे भी ज़रूरत दें, इससे भी ज़रूरत दें। तो भाई इन तीनों ने जब यूनिट से ज़रूरत खानी है तो क्यों ना यूनिट्स को कॉमन बाहर निकालें और पहले हम इन तीनों को नेट कर लें। इन तीनों को नेट करें तो ये प्राइस है और ये वेरिएबल कॉस्ट है, सही है। तो हमने एक टर्म कैथरी में सीखी हुई है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, जो कि होता है प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी वर्किंग में अगर जाऊँ तो मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा, जरा देख लीजिएगा वर्किंग को। चार साल का डाटा मैंने अरेंज करना है, वर्किंग 1, 1, 2, 3, 4। मैं एनुअल सेल वॉल्यूम लूंगा, उसको मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। एनुअल वॉल्यूम मेरा है यूनिट्स में, पहले साल 50,000, दूसरे साल 60,000, 70,000 और 80,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये मेरी वर्किंग 1 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मैं फिलहाल, चूंकि अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कॉस्ट नहीं पड़ी हुई, उनके लिए मैं वर्किंग 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए बनाता हूं। तो वर्किंग 1 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर बनाऊं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है जी, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो जनाब सेल प्राइस पर यूनिट हमारे केस में है कितनी, 25 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 1 10 रुपये और 1 8 रुपये। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आया 7 रुपीज पर यूनिट, हम 7 रुपये पर यूनिट कमाते हैं, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपये पर यूनिट कमाई हमारी। तो मैं जनाब यहाँ पे 7 से इसको ज़रब अगर दे दूँ ये रुपीज में वैल्यूज लेके, तो मैं एनुअल कंट्रीब्यूशन, सालाना मैं कंट्रीब्यूशन कितना कमाऊंगा, सालाना कंट्रीब्यूशन, अच्छा यहाँ पे मैं इसको रुपीज इन थाउजेंड में ले जाता हूँ क्योंकि मैंने आगे तो रुपीज इन थाउजेंड में वैल्यू लेके जानी है। तो रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक छोटी फिगर है, उसको मैंने रुपीज में लिया, लेकिन आगे जब यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं रुपीज इन थाउजेंड में ला रहा हूँ क्योंकि मैंने वैल्यूज आगे रुपीज इन थाउजेंड में लेके जानी है। तो सालाना मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना कमाऊंगा, पहले साल 350, 420, 490, 560, ये मेरी सालाना कमाई है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या ये मेरी टोटल कमाई है, नो, इसमें से लेस करना है फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। तो और फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है जी, वो तो हर साल 90 ही है, तो 90, 90, 90 और 90, तो ये बना जी 260, 330, 400, 470। ये हैं हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इस तरह हम एफिशिएंटली चीजों को मैनेज कर पाए, बजाय इसके हम प्राइस को अलग 50,000 से मल्टीप्लाई करते, मटेरियल कॉस्ट को अलग हर साल मल्टीप्लाई करते, वेरिएबल लेबर को अलग हर साल मल्टीप्लाई करते, हमने कंट्रीब्यूशन की अप्रोच फॉलो की। कंट्रीब्यूशन क्या है कि एक यूनिट को बेचकर जो कमाई है मेजर्ड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट बेच के हम प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कमाई है, तो 50,000 यूनिट बेच के प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कमाया, ये पहले साल की कमाई रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो टोटल कमाई आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारा तरीका का रहेगा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कैलकुलेशन के लिए, हम एफिशिएंसी से चलेंगे। जो मैंने मेथड पहले बोला कि 50,000 × 25 करो, 50,000 × 10 करो, 50,000 × 8 करो, वो भी ठीक है, बट दैट विल टेक लॉन्ग टाइम, वेस्टेज हो जाएगा। ये जो वर्किंग मैंने 2 मिनट में बनानी है उस पर 12 मिनट लग जाएंगे इस वर्किंग को बनाते बनाते। वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स एफिशिएंटली। अच्छा यहाँ पे एक तो जो मैं आपकी दिला दूँ कि हम क्या मैथड यूज कर रहे हैं, कैश फ्लो बेस्ड मैथड। हमारी कॉस्ट में कहीं ना कहीं एग्जामिनर कोई ऐसी कॉस्ट दे सकता है जो नॉन कैश हो, ये हमें ख्याल रखना होगा। हमें ख्याल रखना होगा कि अगर किसी कॉस्ट में कोई नॉन कैश एलिमेंट दे दिया जाएगा तो उसको हमने माइनस कर देना है। हमें सिर्फ कैश में इनकम लेनी है और कैश में
एक्सपेंस लेना है। नॉन कैश आइटम कोई भी हमने अपनी वर्किंग में शामिल नहीं करनी। जैसे एग्जामिनर कह सकता है जी फिक्स कॉस्ट में हमारी डेप्रिसिएशन भी शामिल है, तो हमें पता भी हम तो डेप्रिसिएशन लेते नहीं, क्यों नहीं लेते डेप्रिसिएशन? और नॉन कैश बात एक तरफ है, डेप्रिसिएशन की सारी की सारी इन्वेस्टमेंट तो ले लिया यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन क्यों लेनी है? डेप्रिसिएशन होती क्या? इन्वेस्टमेंट का सालाना चार्ज। तो हम तो कैश बेस मेथड में सारी इन्वेस्टमेंट ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो अदरवाइज तुक्की नहीं है सालाना चार्ज देने की। एक तो नॉन कैश है वो तो अलग बात है, पर नॉन कैश पहले ही वो खाली खत्म हो जाती है डेप्रिसिएशन की। तो भाई हमने तो सालाना सारी एसेट की पूरी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट पर चार्ज कर दी है, बट फर्क क्या है कि हमने इसको सालाना चार्ज नहीं बनाया, इसको हमने कैश फ्लो चार्ज बनाया है। कब कितना पैसा हमारी जेब से गया डाल दो। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, अकाउंटिंग में हम पैसा जो गया उसको एसेट बना लेते हैं, उसको चार्ज नहीं कर देते। यहाँ पे हम सॉर्ट ऑफ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कैश फ्लो बेस चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पे आए जनाब, आपके पास 260, 330, 400 and 470, दैट्स इट, सम अप कर लेते हैं। लीजिए जी 1000 में आउटफ्लो है, 260 है, 330 है, 400 है एंड 520 है। अब ये डाटा उस शेप में आ गया है जिससे हम फेमिलियर हैं, मतलब हमें एनुअल इंटरवल्स पे कैश फ्लोज की वैल्यूज अवेलेबल है। अब इससे आगे जो हमने टूल्स अप्लाई करने सीखे में है वो अप्लाई कर सकते हैं हम जी। किसी स्टूडेंट को स्पेशली जिन बच्चों ने कैफ 3 अभी नहीं पढ़ा या पढ़ रहे हैं, उनको इस कैलकुलेशन को इस फ्लो को समझने में कोई टर्म समझना आई हो, पूछना चाहते हो पूछिए। ये कंट्रीब्यूशन की टर्म, ये आगे चल के आप अभी कॉस्ट वाले जो बच्चे हैं मार्जिन ऑफ ऑप्शन का चैप्टर सून ही आएगा आपको आपका, वहाँ पे बड़ी डिटेल में ये बातें कवर हो जाएंगी। मे बी ओवरहेड का चैप्टर भी चल रहा है आपका, उसके बाद मार्जिन ऑफ ऑप्शन कॉस्टिंग का चैप्टर ही शायद आएगा, उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो स्टिल मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं ये टर्म जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ क्या है जी। कोई सवाल? आई डोंट थिंक इसके बाद कोई क्लास में कैफ 3 वाली बात ऐसी आएगी जो आप लोगों ने ना पढ़ी हो। बस यही दो बातें थी, एक हमने पीछे किसी दिन बात हुई थी रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड बात थोड़ी सी हुई थी कैफ 3 से रेलेवेंट, और एक ये बात थोड़ी कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। आगे शायद आपकी कैफ 3 रिलेटेड कोई शायद ही बात आए, या जाएगी तब तक आप पढ़ चुके होंगे कैफ 3 में जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हमने कैश फ्लो जब अरेंज कर लिए हैं तब हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को हल करने चलते हैं। पार्ट ए, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में हमने दो तरीके पढ़े थे, एक था जब सालाना रिटर्न बराबर हो तो फार्मूला लग जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर सालाना कैश रिटर्न, तो यहां पे तो वो बात नहीं है, यहां पे तो सालाना रिटर्न बदल रही है। तो फिर हमने कहा था दूसरा क्या तरीका है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वर्किंग बना लो। तो हम जनाब पार्ट ए, अब यहां से मेरा पार्ट ए शुरू हो रहा है और मैं इसके लिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वर्किंग बनाता हूं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वर्किंग बनाने का मतलब है हर एनुअल इंटरवल पे इन्वेस्टर की नेट पोजीशन देखो क्या है। प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो इन्वेस्टर की नेट पोजीशन है 1000 नेगेटिव, जब एक साल गुजर जाएगा तो इस 1000 की इन्वेस्टमेंट में से 260 इन्वेस्टर को कमाई की सूरत में वापस मिल गया, इन्वेस्टर की पोजीशन क्या रहेगी 740 स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरेगा, प्रोजेक्ट दूसरे साल में 330 कमा देगा, तो 740 में से 330 रिकवर हो गया, बाकी क्या रह गया 410 स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 400 रिकवर हो गया, 10 स्टिल नेगेटिव, और आखिरी साल में आप 510 में पॉजिटिव जा रहे हैं। यहां पे अब हम पे बैक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमने पढ़ा हुआ है पे बैक कैलकुलेट करने का फार्मूला, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ईयर बिफोर फुल रिकवरी 3 प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड इन द लास्ट ईयर डिवाइडेड विद टोटल अमाउंट रिकवर्ड इन द लास्ट ईयर। तो जनाब यहां से बताइए 3.01 ईयर्स लीजिए जी, ये हमारा पे बैक आ गया। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? पहले हमने स्टोरी से, प्रोजेक्ट की स्टोरी से कैश फ्लोज को एनुअल इंटरवल्स की शेप में रखा, और उसके बाद हमने पे बैक पीरियड पार्ट ए की कैलकुलेशन परफॉर्म की जी। एनी क्वेश्चन? दूसरा पार्ट क्या जी? कैलकुलेट एनपीवी अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8%। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हैं, हमें इनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% पे डिस्काउंट करना है और फिर तमाम प्रेजेंट वैल्यू के सामने लेना है, दैट विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम इसी की कंटिन्यूएशन में, इसी टेबल की कंटिन्यूएशन में मैं यहां पे कॉलम बना लेता हूं। हम यहां पे कैश फ्लोज हमारे पास है, मैं डिस्काउंट फैक्टर 8% का लेके आता हूं, प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, सम होगा प्रेजेंट वैल्यूज का, ठीक है जी। ये मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू यहां पर मिलेगी। सो डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू टेबल खोलिए, ख्याल कीजिएगा ये सारे सिंगल कैश हैं, कोई सीरीज नहीं है, तो आपको सिंगल कैश हो वाला प्रेजेंट वैल्यू टेबल खोलना है। जीरो का फैक्टर होता है हमेशा 1, 8% 1 ईयर, 8% 2 ईयर, 857 3 ईयर, 4 ईयर, 735। हमारे पास कैश फ्लोज हैं,
हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया, इन कैश फ्लोज को इन डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने हैं और फिर हमें मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। लीजिए जी, प्रेजेंट वैल्यू 1,000 into 1, 1,000, 216 into 0, 1,000 into 0, round off, 241 or 0, 240 into 0.857, 283, 400 into 0.7, 358, and 522 into 0.7, 3382. लीजिए जी, अब इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट किए इनका सम कीजिए, दिस शुड गिव यू नेट प्रेजेंट वैल्यू। और सम करते हुए एक कॉमन मिस्टेक है, उसको अवॉइड कीजिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1000 को पॉजिटिव फिगर लेके इसमें से ये माइनस करना शुरू कर देते हैं, एंड में प्लस माइनस साइन का पता नहीं लगता कि एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैलकुलेटर आपको अलाउ करते हैं स्टार्ट विद माइनस 1000, देन प्लस 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 करते जाइए ताकि आपकी एनपीवी विद साइन आपको मिले, विद राइट करेक्ट साइन आपको मिले। कितनी जी, 224 और 3 सामने लिखा जा रहा है, 4 4, एक रुपया नहीं पूछा, एक निकाल ना, 1000 निकाल। अब शुक्र कर मिलियन नहीं था जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कैश फ्लो से पेबैक, कैश फ्लो से एनपीवी, ये तो हमने ऑलरेडी टूल सीखे हुए थे, उनकी रिवीजन है। अब जैसे पार्ट थ्री में नया टूल थोड़ा आया, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है पेबैक पीरियड भी, हमारे सिलेबस में डिस्काउंटिंग के साथ लिखा हुआ है एनपीवी भी। तो डिस्काउंटेड पेबैक बिल्कुल इन दोनों को मिला के टूल बना हुआ है कि जब आप, जैसा पेबैक है वो क्या करता है, कैश फ्लो टर्म में इन्वेस्टमेंट की वापसी, पेबैक मेजर्स कैश फ्लो टर्म में इन्वेस्टमेंट की वापसी, कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी जेब से जो पैसा गया, ये वर्किंग है ना पेबैक की, जो पैसा हमारी जेब से गया वो पैसा कैश फ्लो वो कितनी देर में वापस आया, 3.02। डिस्काउंटेड पेबैक क्या मेजर करता है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में इन्वेस्टमेंट की वापसी, कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी जेब से गई प्रेजेंट वैल्यू टर्म में वो कितनी देर में वापस आई। सिंपल जो फर्क इसमें आता है कि आप पेबैक पीरियड के लिए कैश फ्लोस का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाया, कैश फ्लोस का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाया पेबैक पीरियड के लिए। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए, बाय द वे हमने ये पार्ट ए किया था, ये पार्ट बी हमारा हो गया, अब मैं पार्ट सी की तरफ लेकर जा रहा हूं। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू की इंफॉर्मेशन बना लेते हो, और कौन सी प्रेजेंट वैल्यू, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, जो आपने 8% पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, इसकी क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन बना लो। जैसे ये कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन बनाई थी क्यूमुलेटिव, इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू की क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन बनाओ, तो यहां से आपको डिस्काउंटेड पेबैक मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में पैसा कितनी देर में वापस आया। तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहां से बनाना शुरू करें, स्टार्ट किया 1000 नेगेटिव, 241 रिकवर हो गया, 759 नेगेटिव, 283 रिकवर हो गया, 476 स्टिल नेगेटिव, 318 रिकवर हुआ, 158 स्टिल नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया या 224। ये फार्मूला वैसे ही अप्लाई होगा नीचे, जैसे ये फार्मूला यहां पे अप्लाई हुआ है उसी तरह ये फार्मूला इधर भी अप्लाई होगा। मैं यहां पे आपके सामने लिखता हूं उसकी कैलकुलेशन, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ईयर बिफोर फुल रिकवरी 3 प्लस रिकवरी रिक्वायर्ड इन लास्ट ईयर 158, टोटल रिकवरी इन लास्ट ईयर 382, 3.41 ईयर्स। ये है जी डिस्काउंटेड पेबैक। दोबारा सुन लीजिए, पेबैक पीरियड मेजर करता है कैश फ्लो जो जेब से गया वो कैश फ्लो कितनी देर में वापस आया, 1000 जेब से गया 1000 कितनी देर में वापस आया। डिस्काउंटेड पेबैक कहता है जो 1000 गया वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कितनी देर में वापस आया, कैश फ्लो टर्म में नहीं, असल में पैसा 3.41 ईयर में काफी ज्यादा आ जाएगा, 1 मिलियन से ज्यादा, जितनी इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा आ जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म में वापसी की बात करता है। और वर्किंग इसकी नहायत ही आसान रही आपके सामने कि जो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हैं उनको आपने एक स्टेप सिर्फ ऐड कर देने के, उनकी पहले पीवी ले लेनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, उनकी पीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लेके फिर क्यूमुलेटिव पीवी की इन्फॉर्मेशन बनानी है। तो ये हमारा डिस्काउंटेड पेबैक की कहानी है। डिस्काउंटेड पेबैक के स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली हमारी किताब में मिसिंग है, तो वो आप यहां से उठा सकते हैं, ये काइंडली यहां से नोट कर लीजिए, नोट मतलब पिक्चर ले लो, उसकी फिर बाद में किताब में ऐड करना हो तो छोटा सा ये नोट बना लेना। तो ये डिस्काउंटेड पेबैक के स्टेप है, फोरकास्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज ओवर इट्स लाइफ, डिस्काउंट ईच ईयर कैश फ्लो यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट देयर प्रेजेंट वैल्यू, कंस्ट्रक्ट अ वर्किंग ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, और वहां से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेजर कर लें। ये क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल सा टूल था, जैसे मैंने कहा था 5 मिनट की एडिशनल डिस्कशन है, सो आई ब्रॉट इट इनटू आवर क्लासरूम एक्टिविटी, अदरवाइज सिलेबस में एक्सप्रेसली ये नहीं लिखा हुआ। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे, इस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे, मजीद पार्ट इस सवाल के भी हमने करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।